नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़। और शुरुआत हो चुकी है प्रोबेबिलिटी की। यहां पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के वो क्वेश्चन जो कि आपको हायर मार्क्स में मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, मतलब 4 या 6 नंबर के। तो शुरुआत करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की आपके ही चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों, यह है आपका पहला क्वेश्चन जहां पर आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी रहती, आपको सेंटेंस के फॉर्म में फॉर्मेशन दिया रहता है और आपको उससे परसेप्शन करके अपना इक्वेशन या वैल्यूज डायरेक्टली लिखनी पड़ती है। जैसे कि यहां पर आपको बोला गया है जी, पहले ये समझ लीजिए कि आपको नहीं पता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, ठीक है। आपके सामने डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे समझेंगे आप, कैसे शुरुआत करेंगे? जिस तरह आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं भी बिल्कुल ब्लैंक हूं कि किस तरह से इसको चूज करना है, ठीक है। अब देखिएगा, इन अ कॉलेज 70% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, मतलब कुछ बच्चे हैं जो कि 70% उसमें से फिजिक्स से पास हो जाते हैं और उनमें 75% बच्चे मैथ से पास हो जाते हैं और 10% बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों में फेल हो जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई मुझे कि भाई आपको उसमें से एक बच्चा चूज करना है। तो सबसे पहली बात, यहां पे दो कंडीशन दे दी है डायरेक्टली। तो सबसे पहले मैं ए ले लेता हूं, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया रहेगा उसी सीक्वेंस में मैं एजम्पशन ले लूंगा, और बी रहेगा पास इन मैथ्स। वैसे 75% पास इन मैथ्स, ये सब देख के डर लगता है मुझे, लेकिन ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई कुछ 10% बच्चे हैं जो कि दोनों में फेल हो जाते हैं। पास होने की जब ए है, पास होने की जब बी है, तो फेल होने की क्या होगी? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों में फेल होना मतलब इंटरसेक्शन, राइट? तो आपको यहां पर दे दिया गया है कि भाई पी ऑफ ए इज इक्वल टू 70/100, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 75/100 एंड पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 10/100. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, राइट? नाउ लेट्स मूव टू फर्स्ट पार्ट, व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। ही पासेस इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आपने देखा कि भाई दोनों में अगर फेल होता है तो 10/100 इसकी प्रोबेबिलिटी है, पर अगर दोनों में पास होता है, बात समझिएगा, दोनों में पास होता है तो आपसे मांग क्या रहा है? एक मिसकंसेप्शन ऐसा हो सकता है कि भाई अगर दोनों में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 10/100 है तो दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1-10/100 होनी चाहिए, पर गलत, ये नहीं करना है। आप थोड़ा दिमाग सोचिए कि वो बोल रहा है कि ही पासेस इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ, तो फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी कुछ ये है और मैथ से पास होने की प्रोबेबिलिटी कुछ ये है। इसका मतलब आपसे वो इसकी वैल्यू मांग रहा है पहले पार्ट में। तो आप क्या करेंगे, आपके पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं इस तरह के? तो आप बोलेंगे यस, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, राइट? अब आपके पास ये वाली वैल्यू है, आपके पास ये वाली वैल्यू है, आपके पास ये वाली वैल्यू नहीं है, आपके पास इसकी जगह ये वाली वैल्यू है। तो हमने पिछले वीडियो में बात करी है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो आप बताइए मुझे, ये ऐसा पार्ट कब आ सकता है, ऐसा पार्ट कब आ सकता है? ऐसा पार्ट तब आएगा जब पूरी लाइन रहेगी और इसका साइन उल्टा होगा। मेरी बात बिल्कुल ध्यान समझिएगा आप लोग कि भाई यहां पर इसका ब्रेक द लाइन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना, तो आपने यहां पे ब्रेक द लाइन किया होगा, साइन चेंज हो गया होगा। ओके, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब आप बोलेंगे यार ये कहां से लाऊं, ये कहां से लाऊं? तो आप भैया समझिए, ये चीज कुछ इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जब इसका आप 1- निकालेंगे तो इसका अपोजिट आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये कहां से लाऊं, तो थोड़ी देर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्या है, ये है ये, मतलब इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आपको सिर्फ इतनी इक्वेशन को देखना है, क्या आप ए यूनियन बी की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 10/100, राइट? आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है। Right? आपके पास ये वैल्यू भी आ गई। अब आपको यहां पर वैल्यू पुट करके निकालना है कि भैया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा,
आपके पास ये है, ये है, ये है, आपके पास सिर्फ ये पार्ट नहीं है, बस डाल दीजिए वैल्यू। So this is your final answer. Okay, I hope you got it. Now second part ये है कि भाई he passes in mathematics given that he passes in physics. यार ये तो बात वो वही condition लगाना और आपने condition लगानी है तो बस if he passes in mathematics given that he passes in physics. Physics की condition कौन सी है? A. तो यहाँ पर A हो गया पहला clause, right? तो यहाँ पर और नीचे वाले में बोला है given that It passes in mathematics. तो आपके पास पहले बार में आएगा B after A और दूसरे बार में आएगा A after B. I hope you got these two points. आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, that's it. क्योंकि B intersection A हो या A intersection B दोनों सेम होता है. तो दोनों की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, पहले का आंसर आएगा 11/14 और यहां पर आएगा 11/15. दैट्स इट. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. आई होप यू गॉट इट. नोट डाउन एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो दोस्तों ये है आपके पास अगला सवाल जहां पर आपको 10 कार्ड दिए हुए हैं जिसके नंबर हम 1 से लेके 10 तक कर रखे हैं. तो सबसे पहली बात, जो चीज दी हुई है उसको लिख लीजिए, सैंपल स्पेस लिख लीजिए आप पहले, राइट. अभी भी मुझे नहीं पता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है क्योंकि आपको नहीं पता रखा क्वेश्चन पेपर में कि किस पार्ट से ये पिक किया गया क्वेश्चन है. तो अब ये बोल रहा है कि अगर मैं कोई भी एक कार्ड पिक कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मोर देन 3 है. मोर देन 3 तो मतलब, मोर देन 3 मतलब या तो 4 या 5 या 6 7 8 9 10, राइट. तो ये एक चीज पूछ रहा है, मोर देन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए इट इज एन इवन नंबर. अच्छा, मतलब आपसे पूछ तो ये कुछ और रहा था, ये मोर देन 3 वाली तो कंडीशन लगाई गई थी. ये चीज भी आपको समझनी बहुत जरूरी है कि भाई क्वेश्चन क्या है और उस पर कंडीशन क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा ए और जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी बी, तभी तो आप पी ऑफ ए आफ्टर बी निकालने वाले हो. तो यहां पर क्वेश्चन ये नहीं है, ये वाली चीज तो बी में आ गई है. आपका बेसिकली ए क्या था? ए ये था कि भाई इट इज एन इवन नंबर, तो ए मतलब इवन नंबर. तो आपको ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि यह आप क्वेश्चन क्या है और कंडीशन क्या है. तो आपका क्वेश्चन था ये वाला पार्ट, तो ये बन गया ए, और मोर देन 3 वाला पार्ट जो था ये आपकी कंडीशन थी, राइट. तो ये समझ लिया आपने तो काम हो गया. अब आपको पता है कि आपको निकालना क्या है. आपको निकालना है पी ऑफ ए आफ्टर बी, जो कि होता है आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी. अब आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको पी ऑफ ए निकालना पड़ेगा. पी ऑफ ए क्या है और फिर पी ऑफ बी क्या है, आपको अच्छी तरह पता है कि सैंपल स्पेस तो इसमें 10 10 है, राइट. सैंपल स्पेस में अगर 10 10 है, इसका मतलब यहां पर पी ऑफ ए काउंट कर लीजिए आप 5/10 और यहां पर आएगा आपका 7/10. अब आपसे बोलूं कि भाई पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो वो भी निकाल सकते हैं आप लोग. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको बताया कि कौन कौन सेम हो रहा है इसमें, 4 सेम हो रहा है, 6 सेम हो रहा है, 8 सेम हो रहा है और 10 सेम हो रहा है, क्योंकि ये यहां पर क्या आता है, नंबर ऑफ, राइट. तो आपके पास इसका आंसर भी आ गया. अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे भाई पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी, तो बस आपको वैल्यू डालनी है, दैट्स इट. So, finally 4/7 is your answer. I hope you got it. Note it down. दोस्तों ये एक सवाल आपके सामने है जहां पर आपको पता है कि भाई दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, कहां से कहां तक, 1 से लेके 11 तक. ओके, सैंपल स्पेस यहां पे 1 से 11 नहीं लिख सकते आप लोग, क्योंकि यहां पर आपको दो नंबर सेलेक्ट करने हैं. इसका मतलब ये तो 1 और 2, 2 और 3, 5 और 7, 5 और 10, ऐसा कुछ, ठीक है. तो आपको लिखना पड़ेगा, राइट. तो वी आर सिलेक्टिंग 2 नंबर आउट ऑफ 11 नंबर, राइट. 11C2. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ये बहुत समझना जरूरी है. हम अगर यहां पे 1 से लेके 11 तक सैंपल स्पेस लिखते तो वहीं गलत हो जाता वो, ठीक है, नंबर कटते उस चीज के. अब आपको बोला गया है इफ सम इज इवन,
देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड. तो हमें यह समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या है और कंडीशन क्या है. तो भाई ये बोला गया इफ सम इज इवन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बोथ द नंबर्स आर ऑड. मतलब इफ सम इज इवन, इसको मैं बी ले रहा हूं और इसको मैं ए ले रहा हूं. आप मेरी बात अब समझ गए होंगे कि भाई ये आपका क्वेश्चन था, यहां पर ये आपका क्वेश्चन था और ये आपकी कंडीशन थी, राइट. तो इफ सम इज इवन, अब मुझे बताइए कि कभी भी कोई दो नंबर का सम इवन कब हो सकता है. दो नंबर का सम इवन तभी होगा या तो दोनों नंबर इवन है या फिर दोनों नंबर ऑड है. अगर बोथ द नंबर इवन है, बोथ द नंबर इवन, आप सोचिए कि आपके पास 1 से लेके 11 तक नंबर है, तो 1 से लेके 11 तक कौन कौन से आपके पास इवन नंबर हैं और ऑड कौन कौन से हैं, राइट. आपको सिलेक्ट करने हैं दोनों नंबर इवन, तो आपके पास सिर्फ 5 ऑप्शन है, तो 5C2. और यहां पर आपको सिलेक्ट करने ऑड नंबर मतलब 6C2 और लग गया बीच में मतलब प्लस का साइन, मतलब आपके पास यहां पर इवन नंबर वाली कंडीशन तो ये आ लिया गई है. और अब बात करते हैं कि भाई इफ बोथ द नंबर्स आर ऑड, बोथ द नंबर्स आर ऑड में क्या आ जाएगा, बोथ द नंबर्स आर ऑड में आएगा C2, राइट. तो दिस इज बोथ द नंबर्स आर ऑड इज आर कंडीशन नंबर ए एंड दिस इज आर कंडीशन नंबर बी इन विच वी हैव सम ऑफ टू नंबर्स इवन, राइट. अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट. तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, और यहां पर आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी कहां से निकालनी है, कि आपको बोथ द नंबर्स आर ऑड भी निकालना है. और यहां पर साफ साफ बोल रहा है कि भाई यहां पर पहले आपके सम इज इवन होना चाहिए, सम जब इवन रहेगा तो आपको मिलेगा यहां पर 25 डिनोमिनेटर में, और उसमें से कितने नंबर सिलेक्ट होंगे 15, तो 15/25 इज योर आंसर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर आपके ये क्या है टोटल आउटकम और 15 क्या है आपके फेवरेबल आउटकम. 25 आपका टोटल आउटकम क्यों है, क्योंकि आपसे वो कंडीशन मांग रहा है सम इज इवन, राइट. और यहां पर आपसे बोल रहा है कि नंबर आर ऑड, तो 15/25 इज द फाइनल आंसर. तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो दोस्तों यहां पर आपके सामने बिल्कुल एक रियल टाइम क्वेश्चन है, जहां पर आपको एक कमिटी फॉर्म करनी है 4 लोगों की, जिसमें से 8 बॉय और 6 गर्ल है. अब ध्यान सुनिए, 4 लोगों की कमिटी आपको सेट करनी है, राइट. और उसमें पहले कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 1 गर्ल शुड बी देयर, राइट. फाइंड द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दैट अ कमिटी कंसिस्ट ऑफ मोर गर्ल्स देन बॉयज. अब आपको समझना है कि वहां पे दो चीजें दी हुई हैं, ए और बी, जिसको मान सकते हैं. अब ए क्या है, बी क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है और कंडीशन क्या है, इसमें ही डाउट आपको हो सकता है. यहां पर आप दोबारा पढ़िएगा, यहां पर बोल रहा है कंसिस्टिंग एटलीस्ट 1 गर्ल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी कंसिस्ट ऑफ मोर गर्ल्स देन बॉयज. तो ये जो आपका क्वेश्चन हो गया, राइट. और बी क्या हो गया, बी है आपकी कंडीशन, जहां पर बोला गया है एटलीस्ट 1 गर्ल, राइट. अब आपको पता है कि आपको बेसिकली निकालना क्या है, पी ऑफ ए आफ्टर बी. उससे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस तरह से इसकी हम पॉसिबिलिटीज निकालेंगे. सबसे पहले जो आसान है वो देख लेते हैं, यहां पर पी ऑफ बी निकालना है हमको, ठीक है. पी ऑफ बी कैसे निकालेंगे, पी ऑफ बी मतलब एटलीस्ट 1 गर्ल. तो हम एक बार देखते हैं कि 0 गर्ल पे क्या आपके पास आंसर आता है, मतलब नो गर्ल्स. जिसको हम बोलेंगे P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. तो यहां पर आपको अच्छी तरह पता है नो गर्ल मतलब सारे सारे बॉयज, सारे सारे बॉयज मतलब 8C4, 8C4. और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8C4 डिवाइड बाय 11C4, क्योंकि 8 आपके पास बॉयज हैं, 6 गर्ल, तो 14C4 आपके पास आंसर आ जाएगा. ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी है, जिसका आंसर आएगा
राइट तो पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अगर आपके पास 10 बाय 143 आता है तो पी ऑफ बी क्या आएगा, 1 माइनस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब आएगा 133 बाय 143। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। राइट अब आपके पास आता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास दो केस बनते हैं। फोर गर्ल्स रहे या तो फोर गर्ल्स रहे, इसका मतलब पूरे के पूरे चार जो मेंबर हैं वो आपके छह में सिलेक्ट हो तो 6C4, और का मतलब होता है प्लस 3 girls plus 1 boy, तो 3 girls मतलब यहां से तो 6C3 प्लस, सॉरी यहां पर तो प्लस मतलब एंड है, मतलब यहां पे ऐसा कुछ है और में लगेगा प्लस और एंड में लगेगा मल्टीप्लाई, तो वन बॉय कहां से होगा आपका 8C1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, नोट इट डाउन। इसका आंसर आ रहा है 175 बाय 1001। राइट अब आपको सिंपली ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट्स इट, एंड योर फाइनल आंसर वुड बी, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो जुड़े रहिए मैथ्स रेडी से, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने मैथ्स रेडी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो भैया जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करिए, क्योंकि जिस दिन पेपर लीक हो जाएगा उस दिन आप हाथ मलते रह जाओगे कि भाई काश हम वो पेपर कर लेते तो जो मैथ्स रेडी ने दिए थे, तो एग्जाम में 100 में 100 ला रहे होते। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार। Midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak.